हेलो दोस्तों, मेरा नाम है विवेक और आप देख रहे हो मेरा यूट्यूब चैनल राइडर विवियन। आज दोस्तों बात करेंगे हम होंडा डियो पे ये दोनों वेरिएंट के डिफरेंस के बारे में। दोस्तों यहाँ पर आप जो देख रहे हैं रेड कलर का, वो होंडा डियो स्टैंडर्ड मॉडल में है, जो पहला वाला मॉडल था वही है। और यहाँ पर जो देख रहे हो ये सिल्वर कलर का स्पोर्ट्स एडिशन में आया है, जो नया है। दोस्तों इस दोनों में डिफरेंस क्या है, हम आज इसी बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं इसका ग्राफिक्स। दोस्तों यहाँ पर जो आप देख रहे हो इसमें आपको फुल्ली मैट फिनिश मिलेगा। दोस्तों यहाँ पर आप कलर जो है रेड कलर का वो मैट फिनिश में आया है। मडगार्ड जो है वो भी फाइबर का है और इस ये भी मैट फिनिश में ही है। दोस्तों यहाँ पर आप जो देख रहे हो स्पोर्ट्स एडिशन में, वो आपको ग्लॉसी में मिलेगा। ये वाला जो पोर्शन है आपको ब्लैक में मिलेगा और यहाँ पर जो देख रहे हो वो रेड कलर का है। दोस्तों दोनों में टायर का साइज़ भी सेम ही है, इसमें भी 12 का व्हील है और इसमें भी 12 का व्हील है। जो पहले था दोनों में, आपको मीटर की बात करें तो मीटर आपको दोनों में एनालॉग मीटर मिलेगा। इसमें भी एनालॉग मीटर मिलेगा और इसमें भी एनालॉग मीटर मिलेगा। एक बार मैं चाबी ऑन करके आपको फोन से दिखा देता हूँ। इसमें आपको हैलोजन बल्ब मिलेगा, देख सकते हो हैलोजन बल्ब। और यहाँ पर आपको एक छोटा सा DRL देखने को मिलेगा, वाइट कलर का LED लैंप है। और इसमें भी आपको सेम यहाँ पर एक LED लैंप मिलेगा DRL, और इसमें भी आपको हैलोजन मिलेगा। दोस्तों आप देख सकते हो ब्रेकिंग सिस्टम की बात करें तो दोस्तों दोनों में ही आपको कॉम्बो ब्रेकिंग मिल ही रहा है। ये वाला जो है ये कॉम्बो ब्रेकिंग सिस्टम है, एक बार दिखा देता हूँ आपको। ब्रेकिंग सिस्टम जो है आपको कॉम्बो मिलेगा, इसमें भी आपको सेम है कॉम्बो ब्रेकिंग सिस्टम दिया गया है। और ये जो है पूरा मैट फिनिश में आया है दोस्तों, जो कोई डिफरेंस नहीं है, टोटली मैट फिनिश आपको मिलेगा। यहाँ पर जो है आपको मोटो स्कूटर देखने को लिखा हुआ मिलेगा। और यहाँ पर जो है आप देख रहे हो मोटो स्कूटर ग्राफिक्स में दिया गया है, टोटली ग्राफिक्स आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पर फुल्ली ग्राफिक्स मिलेगा। और पीछे का साइज़ है, यहाँ पर आपको डियो लिखा हुआ मिलेगा, जो स्टील कलर का है और काफ़ी उठा हुआ है। और यहाँ पर आपको ग्राफिक्स के साथ डियो लिखा हुआ मिलेगा, देख सकते हो दोस्तों ग्राफिक्स के साथ आपको डियो लिखा हुआ मिलेगा और ग्लॉसी में। दोस्तों दोनों में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, कंपनी ने कोई डिफरेंस नहीं निकाला है, बस आपको थोड़ा सा ग्राफिक्स में चेंजेस किया है। और मीटर की बात करो तो मीटर आपको दोनों में सेम मीटर मिल रहा है, सेम मीटर मिल रहा है एनालॉग मीटर। और इसमें भी आपको सेम एनालॉग मीटर ही मिल रहा है, सेम एनालॉग मीटर मिल रहा है। अभी देख लेते हैं, अभी दोस्तों बात करते हैं इसका इंजन के बारे में। दोस्तों इसमें होंडा का 110 सीसी का इंजन दिया गया है, 7.65 BHP का पावर दिया गया है दोस्तों 8000 RPM के साथ। दोस्तों माना जाता है सबसे ज़्यादा पावरफुल इंजन 110 सीसी में मेंशन किया गया है। दोस्तों इसमें आपको 5.3 लीटर का फ्यूल टैंक कैपेसिटी दिया गया है, दोनों में ही आपको देखने को मिलेगा कुछ इस तरीके का, आपको फ्यूल ओपन हो जाएगा। दोस्तों 5.3 लीटर का फ्यूल कैपेसिटी दिया गया है और इस तरीके से, और यहाँ से आपको दोस्तों स्विच जो है दिया गया है, यहीं से आपको सीट ओपन हो जाएगा। स्टोरेज टाइप जो है वो भी बहुत बड़ा दिया गया है यहाँ पर। और टॉप स्पीड की बात करें तो दोस्तों टॉप स्पीड आपको 50 तक का मिल जाएगा, जो काफ़ी अच्छा दिया गया है। इसका जो ऑन रोड बात करें तो दोस्तों इसका ऑन रोड प्राइस आपको 91 से 92 के आसपास हर स्टेट पे देखने को मिल जाएगा, जो काफ़ी अच्छा दिया गया है।
दोस्तों अगर आपको होंडा का डियो ख़रीदना है तो आप ये ख़रीद सकते हो। दोनों अलग अलग वेरिएंट है, एक है स्पोर्ट्स एडिशन में और एक है नॉर्मल जो पहले आता था वही है। तो दोनों ही अच्छा है, आपको जो पसंद है वो ख़रीद सकते हो। और दोनों में आपको 3 साल का स्टैंडर्ड वारंटी मिल जाएगा जो आपको बहुत ही अच्छा दिया गया है। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना और लाइक करना, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।